हेलो बॉलीवुड के दीवानों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसने हमारे दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। दीवाना ये वो फिल्म है जिसमें शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और ऋषि कपूर ने स्वेटर्स को फैशन स्टेटमेंट बना दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे रॉक स्टार रवि यानी ऋषि कपूर, और वो भी इतने ब्राइट कलर के स्वेटर्स में कि कोई भी कहे वाह क्या फैशन सेंस है। सीरियसली लगता है उनके वार्डरोब में केवल स्वेटर्स ही थे। अब रवि को देखकर काजल यानी दिव्या भारती एकदम फ्लैट हो जाती है, मतलब इतना जल्दी कोई प्यार में कैसे पड़ सकता है। भाई साहब रवि ने गिटार बजाया और काजल का दिल जीत लिया। बस थोड़ी देर में शादी भी हो जाती है, जैसे कि 2 मिनट का नूडल्स हो। और यहाँ आता है विलान धीरेन्द्र प्रताप यानी कि अमरीश पुरी, हर टाइम गुस्से में रहते हैं, जैसे किसी ने उनका मॉर्निंग टी छीन लिया हो। इनका डायलॉग डिलीवरी ऐसी थी कि लगता था वो सामने वाले को बस खा जाएंगे। और भाई साहब मूवी का असली मजा तो विलन से आता है, और रोबी के साथ वो हादसा, ये सीन देख के हम सब ऐसे हो गए थे नो रवि भाई कम बैक कर लो, और मूवी में कम बैक कर भी लिया। लिटरली ये बॉलीवुड है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। अब एंट्री होती है हमारी किंग खान की, शाहरुख खान एज राजा। एंट्री भी ऐसी कि बाइक पे स्टंट करके आए, जैसे बाइक स्टंट चैंपियनशिप जीतने आए हो। राजा और काजल की लव स्टोरी भी यूनिक थी, वो मना करती रही ये पीछा करते रहे, और फाइनली काजल मान जाती है। अभी असली कौन शाहरुख खान को मना कर सकता है। फाइनली वेडिंग हो जाती है और शाहरुख खान जीत लेते हैं काजल का दिल। मतलब ये रवि की लव स्टोरी थी, लेकिन ट्विस्ट ने राजा को हीरो बना दिया। बॉलीवुड है, सब कुछ उल्टा पुल्टा पॉसिबल है। क्लाइमेक्स में राजा और रवि टीम अप करके धीरेन्द्र प्रताप से फाइट करते हैं, ऐसी फाइट सीन जैसे WWE देख रहे हो। पंचेस डायलॉग्स ड्रामा पूरा पैकेज, और फाइनली रवि अपना सेक्रीफाइस दे देते हैं ताकि काजल और राजा हैप्पीली इवर आफ्टर रह सके। मतलब इतना ट्विस्ट और टर्न था मूवी में कि हम सोचते रह गए। निर्देशक राज कनवर ने दीवाना से हमें एक ऐसी लव स्टोरी दी जिसमें रोमांस ड्रामा और थ्रिल सब कुछ है। उनका निर्देशन बिल्कुल मसालेदार था जो ऑडियंस को सीट से बांध कर रखे। संगीतकार नादिम शवन का म्यूजिक ऐसा था जो सीधा दिल में उतर जाए। उनके गाने आज भी लोगों के जुबान पर है और हर इश्कबाज के दिल का हाल बयां करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे दीवाना का फनी रिव्यू। अगर आपको मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट्स में बताएं इस मूवी में आपकी फेवरेट सीन कौन सा था। अगली बार फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक कीप वॉचिंग बॉलीवुड मूवीज और रहिए दीवाना। थैंक यू।